अब देखो ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग क्या जानते हैं सिंपल, जो पावर बराबर क्या जानते हैं, पावर बराबर फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया, पावर को हम लोग वाट भी लिखते हैं, था ना। और न्यूटन मीटर, अब वाट क्या हो गया, न्यूटन मीटर पर सेकंड हो गया, या वाट को हम लोग जूल पर सेकंड भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं वाट को जूल पर सेकंड, क्योंकि हम लोग वर्क डन को लिखते हैं, वर्क डन को क्या लिखते थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर हो गया, तो न्यूटन मीटर क्या डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है ना। वो अलग अलग चीज पे अलग, पावर बराबर क्या हो सकता है, वर्क डन बाय टाइम हो सकता है। पावर बराबर वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को डी से दिखा दें, एस से दिखा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एफ इनटू वी लिख सकते हैं। ये पावर का अलग अलग फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं पावर को, वी को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर एंगुलर स्पीड दिया हुआ रहेगा, वी बराबर ओमेगा आर। ओमेगा क्या होता था, 2 पाई n/60। अगर n आरपीएम में दिया हुआ रहेगा तो 60 से डिवाइड करते हैं, किस लिए, कि पर सेकेंड में आ जाए। अगर n ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, आरपीएस दिया हुआ रहेगा, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो वहां पे 60 से डिवाइड करने का जरूरत नहीं। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते थे, f को तोड़ के, हो तोड़ना चाहें तो ओमेगा को 2 पाई n/60 × r हो गया। इसको और तोड़ना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई dn/60, ठीक है ना, पाई dn/60, 2r हो गया d, पाई n, 2r को क्या लिख दिए, 2 × r को d लिख दिए, ये f हो गया पाई dn/60। तो ये अलग अलग पावर का फॉर्म हो गया, ठीक है ना। ये सभी को एक साथ अच्छे से लिख लेना तुम लोग, या हम ही लिख देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि सिंपल है ना, इस तरीके का क्वेश्चन सिंपल दे दे तो तुम लोग को पता होना चाहिए कहाँ से आ रहा है। हम लोग ये जानते हैं पावर होता है वर्क डन बाय टाइम, वर्क को लिख सकते हैं हम लोग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट टी, डी बाय टी को लिख सकते हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी, इसको लिख सकते हैं वी को ओमेगा इनटू आर, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई n/60 × r, यहां से लिख सकते हैं एफ इंटू पाई dn/60। ठीक है, ये देखो एक चीज में तो सभी जगह यूनिट का तुम लोगों को ख्याल रखना है, सभी जगह यूनिट का ख्याल रखना है। पावर का यूनिट वाट हो सकता है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड हो सकता है, या जूल पर सेकेंड हो सकता है, क्योंकि न्यूटन मीटर को हम लोग जूल भी लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला लगा और ये क्वेश्चन को सॉल्व करो कि टॉर्क इन न्यूटन मीटर ऑफ ए वाइंडर मोटर इज डिस्क्राइब्ड बाय द रिलेशनशिप टी दिया हुआ, ठीक है ना। अब देखो टो क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टी भी टॉर्क भी की एक तरीके से क्या हो गया, टॉर्क का जो यूनिट देखो और वर्क डन का यूनिट देखो, दोनों का सेम यूनिट है, न्यूटन मीटर यहाँ भी है टॉर्क का यूनिट, और वर्क डन का भी यूनिट सेम है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट न्यूटन मीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ टॉर्क मान लो दे दिया है, टॉर्क बराबर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो टॉर्क का सिंपल फॉर्मूला लिख दिया है कि 1450 − 3.2 ओमेगा है। ओमेगा क्या हो गया, एंगुलर स्पीड ऑफ द मोटर इन रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अगर शाफ्ट रोटेट कर रहा है 1450 आरपीएम से, तो उस केस में बोला है कि पावर क्या होगा मोटर का, पावर ऑफ मोटर पूछा हुआ है। क्या होगा निकालो,
अब पावर क्या हो सकता है? ठीक है ना, पावर ही पूछा है ना, तो पावर हो जाएगा टोर्क इनटू ओमेगा। ठीक है, टोर्क इनटू ओमेगा। सॉल्व करो, कितना आंसर आ रहा है इसका? वन फोर्टी सिक्स पॉइंट थ्री सेवन किलोवाट, मतलब 146.4 किलोवाट एक ऑन। और देखो किसी का आंसर आ रहा है इतना? अब देखो एक ओमेगा का वैल्यू यहां पुट करना है, एक ओमेगा से पूरा ब्रैकेट को करके मल्टीप्लाई कर देना है, और ओमेगा का वैल्यू क्या पुट कर देना है, 2 पाई n/60 पुट करना है। ठीक है, 146.373 आ रहा है। ठीक है, तो सभी से आ रहा है उतना आंसर, तो वो देखो सभी का आंसर आया उतना। सभी का आना चाहिए, क्योंकि ये सब हम बेसिक क्वेश्चन लिए हैं कि बेसिक क्वेश्चन जो एग्जाम में आ जाता है। ठीक है ना, देखो तुम लोग बोलोगे सर पावर और टॉर्क इनटू ओमेगा कैसे ले लिए? देखो फोर्स इनटू डिस्टेंस हम सीधा ले रहे हैं, ठीक है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टो हो गया, टॉर्क हो गया। ओमेगा क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड यूनिट है ना उसका। देखो ओमेगा का यूनिट क्या दिया हुआ है, रेडियन पर सेकेंड। पर सेकेंड है, सेकेंड कहाँ? नीचे है। टी कहाँ है? टाइम नीचे है। ठीक है ना, तो इस कारण क्या किए हैं, ओमेगा से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या होगा, पर सेकंड तो नीचे ही आ जा रहा है। अब बाकी ये फॉर्मूला होता है 10 12 में, सबको पढ़े हो 12 में। ठीक है, सभी का आया? आयुष और कौन कौन है यार, मंजीत, पावर बराबर टॉर्क इनटू ओमेगा, ये कितना दिया हुआ है, 1485 था ना, 1450 -3.2 इनटू 2 ओमेगा। ठीक है ना, ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 पाई n/60। 2 पाई n का वैल्यू 1450 दिया हुआ है, डिवाइड बाय 60 करो, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, जो भी आंसर आएगा वो आएगा न्यूटन में, उसको 1000 से डिवाइड कर देना, किलोवाट में आ जाएगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन ये सब गेट में आया हुआ क्वेश्चन, हम इसीलिए लिए हुए हैं, कुछ नहीं, मेरा मकसद था दिखाने का। ये क्वेश्चन देखो क्या है, ए ड्राइव शाफ्ट ऑफ एन इंजन डेवलप्स टॉर्क ऑफ 500 न्यूटन मीटर। टॉर्क दे दिया है 500 न्यूटन मीटर। इट रोटेट्स एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ क्या कहते हैं, 50 RPM। एन दे दिया है, तो बोला है कि पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, पावर बोला है निकालने के लिए, पावर क्या होगा, तो सिंपल है, पावर क्या हो जाएगा, टॉर्क इनटू ओमेगा। ओमेगा को जानते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 2 पाई n/60। मजाक कर रहा था, गेट वाला भी लग रहा है। ये सबसे इजी क्वेश्चन हो सकता है, कुछ और बताओ। 30 कितना आ जाएगा, 50 पाई बाय 3।
किलोवाट में बोल रहा है तो डिवाइड बाय 1000 कर देना। इसको अगर अप्रोक्सीमेट करे तो 3.14 डिवाइड बाय 3 2 पाई एन का वैल्यू 50 रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है 60। कितना आंसर आ रहा है इसका? ये कैलकुलेशन सही है, देखो तो इससे आंसर आ रहा है कि कहीं गलत हो रहा है? वन पॉइंट समथिंग इधर आएगा, 50 आ जा रहा है ना? इससे आंसर आ रहा है ना ये जो हम सॉल्व किए हुए हैं, कि इससे कुछ गलत आ जा रहा है? बताओ तो। 2.62 आ रहा है सभी का, तो सही आंसर है। ठीक है, तो ये 2.62 किलोवाट में आ जाएगा, क्योंकि 1000 से लास्ट में डिवाइड करना ही होगा तो ही आएगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में है कि कोई फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करना है। ये जो क्वेश्चन है ये भी गेट का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग को कुछ भी फॉर्मूला यूज नहीं करना, जो दिया हुआ है ना उसी को लिख देना है। जो इस लैंग्वेज को समझ पाएगा, लैंग्वेज बहुत ईजी है, जो इस लैंग्वेज को समझ पाएगा क्वेश्चन खत्म है, बस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सीधा। देखो यहाँ क्या बोला हुआ है कि द प्रोडक्शन रेट ऑफ ए बकेट व्हील एक्सकेवेटर इज 400 क्यूबिक मीटर पर आवर, कि एक घंटा में वो एक बकेट व्हील एक्सकेवेटर है वो 400 क्यूबिक मीटर प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है ना? कहाँ से? इन ए मटेरियल ऑफ डिगिंग रेजिस्टेंस 25 न्यूटन पर एमएम। मतलब जब जिस मटेरियल को डिग कर रहा है ना, तो 1 mm डिग करने में उसको 25 न्यूटन का रेसिस्टेंस वहां से मिल रहा है जो मटेरियल को डिग कर रहा है। अब यहां क्या बोल रहा है कि एज्यूम डिगिंग रेजिस्टेंस, डिगिंग रेजिस्टेंस इज इनवर्सली वेरीज विद द स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। इज इनवर्सली, इनवर्सली हो गया प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट, मतलब रूट अंडर किसका? प्रोडक्शन कैपेसिटी का। ठीक है ना? अब क्या दिया हुआ है कि द प्रोडक्शन रेट इन क्यूबिक मीटर पर आवर। अब बोला है कि प्रोडक्शन रेट क्या होगा जब अनदर मटेरियल को डिग कर रहा है, तो उस केस में प्रोडक्शन रेट क्या होगा जब उसका डिगिंग रेजिस्टेंस जो है, डिगिंग रेजिस्टेंस वो 45 न्यूटन पर एमएम। तो क्या है इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं, जब रिलेशनशिप दे दिया है, हम लोग ये जान रहे हैं कि स्टार्टिंग में 400 क्यूबिक मीटर पर आवर जब डिग कर रहा है, अब यहाँ का प्रोडक्शन रेट एक्स मान लो पूछ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये यहाँ 45 डिगिंग रेजिस्टेंस है ना, 1 मिनट, डिगिंग रेजिस्टेंस दिया हुआ है स्टार्टिंग में 25 न्यूटन पर एमएम, ठीक है ना? नीचे दिया हुआ है डिगिंग रेजिस्टेंस 45 न्यूटन पर एमएम, वहां 25 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब 49 वाला के ये एक्स पूछ रहा है और इसका ये एक्स दिया हुआ है, सब यूनिट वगैरह कट जाएगा। यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन था ये, एक्स क्या हो जाएगा 400 इंटू 25 का स्क्वायर डिवाइड बाय 45 का स्क्वायर, यही तो इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो एग्जाम में ऐसा है कि क्वेश्चन छोड़ना नहीं, मतलब बिना पढ़े तो कोई क्वेश्चन छोड़ना है ही नहीं, स्किप करना है ही नहीं। हो सकता है कि वो सिंपल सा क्वेश्चन रहे, लेकिन लड़का लोग स्टार्टिंग में देखिए, अरे यार बकेट टू एक्सकेवेटर क्वेश्चन पूछा, हम तो पढ़े ही नहीं है बकेट टू एक्सकेवेटर, तो छोड़ो। लेकिन बाद में पता चलेगा यार ये तो क्वेश्चन सिंपल मैथमेटिक्स था, इसमें तो कुछ क्वेश्चन था ही नहीं। तो इसलिए एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम लोग 1 से लेके 65 तक एक भी क्वेश्चन ना देखे हो, सारे का सारे क्वेश्चन सभी को देखना है।
जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से 65 तक जो भी रहेगा एग्जाम में, सब क्वेश्चन को देखना है, समझना है, उसके बाद अगर नहीं बनता है तो स्किप करना है, लेकिन 1 मिनट टाइम सभी में देना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो रहेगा ही एग्जाम में कि बनेगा नहीं, नहीं तो एग्जामिनर का भी बेइज्जती हो जाएगा कि 100 में 100 लेते आ रहा है, ठीक है ना। तो जो नहीं बनेगा उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टफ रहेगा सबके लिए, टफ रहेगा, लेकिन इजी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। लास्ट ईयर मान लो जो गेट का कट ऑफ गया हुआ है बहुत कम गया, क्यों गया, और किसी का आ गया अच्छा, मान लो 25 कट ऑफ गया हुआ था। अब बहुत लड़का लोग क्या किया, क्वेश्चन देख के ही लग गया उसको टफ क्वेश्चन है, तुक्का मारना स्टार्ट कर दिया, मतलब क्वेश्चन को मेहनत करके सॉल्व नहीं किया। अगर वो सिलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया रहता है ना, तो जो भी लड़का ला मान लो लास्ट ईयर कोल इंडिया छूट गया है, कोल इंडिया छूटता नहीं उससे, क्योंकि वो सिलेक्टेड क्वेश्चन उसमें बनाए ना। मान लो सारा क्वेश्चन टफ आ गया है, तब 3 घंटा उसके पास टाइम है, तो सारा क्वेश्चन टफ आ गया तो ऑटोमेटिक है कि सबके लिए टफ है, कट ऑफ नीचे जाएगा। तो जब कट ऑफ नीचे जाएगा तो सिलेक्टेड क्वेश्चन बनाना है कि चलो मेरा 35-40 मार्क्स आ जाए, बस हमको उतना ही चाहिए, अगर उस लेवल का टफ रहेगा तो उस केस में, ठीक है। तो ये देखो 3 क्वेश्चन बताए, तीनों गेट का क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ है कि लड़का लोग इतना इतना देखेगा ना, कन्वेयर बेल्ट पुल्ली छोड़ देगा क्वेश्चन बनाने के लिए, नहीं क्वेश्चन नहीं बनाएंगे हम। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या दिया हुआ है, वो समझना है पहले, फिर क्वेश्चन तो फिर खत्म है यार। देखो इसमें क्या बोला हुआ है कि एक कन्वेयर बेल्ट हैज 2 ड्राइव ड्रम्स ए एंड बी। एक ड्राइव ड्रम ए है, ये ड्राइवर हो गया तो ये फ्लोवर हो गया, दूसरा ड्राइव ड्रम इस बार तो कानपुर नहीं ना है, इस बार कौन है, इस बार खड़गपुर है शायद। 2015 में भी हम लोग जब क्वेश्चन दिए हुए थे ना, तो 2015 में जो सेट किया था इस बार भी वही सेट कर रहा है क्वेश्चन, या खड़गपुर या कानपुर जो भी होगा दोनों में। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक कन्वेयर बेल्ट है 2 ड्राइव ड्रम्स, कानपुर ही है। 2015 में भी तो कानपुर सेट किया था, ज्यादा टफ नहीं रहता यार क्वेश्चन, 2015 क्वेश्चन देख लो उठा के, इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं था। 2 ड्राइव ड्रम है ए और बी, ठीक है ना। बोला है कि इफ इच एंगल ऑफ रेप थीटा इन बोथ द ड्राइव ड्रम, मतलब यहाँ पे भी दे दिया है थीटा, एंगल ऑफ रेप थीटा 230 डिग्री, और इस ड्रम के लिए भी दे दिया है एंगल ऑफ रेप 230 डिग्री, और कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड पुल्ली म्यू दे दिया है 0.35। तो बोला है इस क्वेश्चन में कि T1/T3 क्या होगा, T1/T3 का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये क्वेश्चन क्या है कि सिंपल, मान लो स्टार्टिंग में एक पुल्ली के लिए लिखो कि T1/T2 बराबर होता है 1 का पावर μ थीटा, ठीक है ना। दूसरा में ये है कि जो ड्राइव है वही तो ऊपर लिखते हैं, T2/T3 होता है e का पावर μ थीटा। थीटा को अब यहां से क्या बोला है, T1/T3 पूछ रहा है निकालने के लिए, तो कैसे निकलेगा T1/T3, दोनों को डिवाइड करेंगे तो निकलेगा या दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा। तो देख रहे हैं कि ये इक्वेशन 1 आ रहा है, ये इक्वेशन 2 आ रहा है, दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे T1/T2 × T2/T3, तो मेरा क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। तो इधर e का पावर μ थीटा μ थीटा × e का पावर μ थीटा, क्यों, क्योंकि दोनों में थीटा एंगल सेम है, एंगल ऑफ रेप और ये कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन भी सेम है, तो यहाँ से T1/T3 क्या हो जाएगा, e का पावर 2 μ थीटा, ठीक है। e का पावर 2 × μ का वैल्यू 0.3, थीटा का वैल्यू 230 डिग्री, 35 हो गया, 230 डिग्री दिया हुआ है, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, इस चीज का ध्यान रखना, π/180। ये जो आंसर आ गया तुम्हारा, आंसर आ गया।
आंसर आ गया डी। देख लो कितना आ रहा है ये आंसर, तो पता नहीं हम भूल गए आंसर इसका। तीसरे क्वेश्चन देख के डरने की बात नहीं है, क्वेश्चन देख के एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना है। ये कितना आ रहा है, सिंपल सॉल्व कर लो नहीं वाला, क्यों किसी का ए आ रहा है किसी का। देखो यहाँ पे क्या है, जब ये बेल्ट ड्राइव है, ड्राइवर का काम कर रहा है, ये T1 है तो मेरा ये, ठीक है ना। एक बार क्या था कि देखो यहाँ पे D आ रहा है, D आ रहा है ना, ठीक है। T3 देखो यहाँ पे, ये T3 है, इसमें जो टेंशन लग रहा है ना, ये T3 है, ठीक है। एक बार ये ड्राइवर का काम कर रहा है, एक बार ये ड्राइवर का काम कर रहा है, ये चला रहा है बेल्ट को। तो सिंपल है कि इक्वेशन लिखो T1/T2 बराबर E^μθ, और सेकेंड में क्या, T2/T3 E^μθ। अब ये क्वेश्चन देखो, 71 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक कन्वेयर है जिसका रेटेड पावर 100 किलोवाट है, ठीक है, मतलब पावर दे दिया है कन्वेयर का, वो क्या कर रहा है, होल्स कॉल अप डीप एट 30 kg/s, मतलब डीप डायरेक्शन, डीप के ओपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, मतलब ये डीप हो गया तो अप डीप ये हो गया, मतलब इधर वो खींच के ले जा रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और इसका जो इंक्लाइनेशन है कन्वेयर का वो 15 डिग्री का है, और ये जो डिस्टेंस है ये 300 मीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि हीट एडेड बाय कन्वेयर टू द एयर, कि कन्वेयर कितना हीट एड कर रहा है, कन्वेयर एयर में कितना हीट एड कर रहा है। तो ये सब क्वेश्चन में है ना, ये इंक्लाइनेशन वगैरह दिया हुआ है, तो सिंपल हम लोग ये निकालेंगे कि मान लो कन्वेयर का रेटेड पावर 100 किलोवाट है, और कन्वेयर ये जो मटेरियल है 15 डिग्री की इंक्लाइन में कैरी करने में जितना वो खर्चा किया है, वो तो उसका वर्क में आ गया, तो दोनों में माइनस कर देंगे, 100 किलोवाट जो रेटेड पावर दिया हुआ है, और इसमें से ये जितना वर्क डन करने में 300 मीटर तक कैरी करने में, मतलब 300 मीटर के जो लेंथ है ग्रेडियंट में जिसका इंक्लिनेशन 15 डिग्री है, इसमें कैरी करने में जितना वो किलोवाट कंज्यूम किया हुआ है, और दोनों को माइनस कर देंगे तो उतना क्या हुआ है उसका, ये 100 किलोवाट हो गया मान लो दिया हुआ है रेटेड पावर, और ये जितना इधर पावर कंज्यूम किया हुआ रहेगा ये, तो ये माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, हीट एडेड इनटू द एयर। हीट एडेड इनटू द एयर, अगर मान लो उसका रेटेड पावर कैपेसिटी 100 किलोवाट है, और 100 किलोवाट वो कंज्यूम कर दिया था, मतलब उस केस में क्या होगा, हीट एडेड इन द एयर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो पावर का क्या जानते हैं हम लोग, अभी बताएं थे पावर का यूनिट क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम, ठीक है, या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये सब फॉर्मूला होता पावर का। अब ये देखो 30 kg/s दिया हुआ है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है हम लोग को, 30 kg/s कि एक तरीके से कि 1 सेकेंड में
कितना केजी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर पा रहा है, ठीक है ना। तो अगर मान लो अगर हम लोग ये दिया हुआ है कि ये यहां से यहां जाने में, तो हम लोग सीधा निकाल सकते हैं कि वर्क डन कितना कर रहा है वो, कि इस हाइट से, ये मान लो एच हाइट है कि मटेरियल को यहां से यहां लेके जा रहा है, एक्चुअली मतलब क्या वर्टिकली कितना लिफ्ट किया मटेरियल को, ये यहां से यहां किया है, तो कन्वेयर बेल्ट को एच हाइट मटेरियल वर्टिकली लिफ्ट करने में कितना एनर्जी उसमें कंज्यूम हो रहा है। तो सिंपल हम लोग जानते हैं कि वर्क डन अगर कोई हाइट दिया हुआ है तो एम जी इंटू एच होता है, ठीक है ना। अब देखो वर्क डन का यूनिट तो जूल है, क्या यूनिट है, जूल है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन, न्यूटन मीटर हो गया, जूल हो गया। पावर क्या होता है, जूल पर सेकंड है। तो टाइम कहाँ दिया हुआ है, टाइम तो नहीं आ रहा फॉर्मूला में, लेकिन टाइम की जगह पे क्या दे दिया हुआ है, मास फ्लो रेट दे दिया हुआ कि 1 सेकंड में 30 केजी का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो मतलब एक तरीके से इसके साथ जो एम यहाँ पे है ना, एक तरीके से ये क्या निकल गया, यहाँ पे जो निकल रहा है एक तरीके से पावर ही निकल रहा है। क्यों, क्योंकि यूनिट देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एम जी एच, ऊपर में तो जूल आ जाएगा, और एम का जो एक तरीके से केजी हो गया न्यूटन मीटर, जी का क्या हो जाएगा, जी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा जी का, और एच का मीटर हो गया। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है ना। ये किसका यूनिट होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा, और एक एस, ये कहाँ गलत कर रहे हैं यार, जी का जो होता है यूनिट एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। जी का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एम का यूनिट केजी पर सेकंड इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू एच। एक तरीके से एम जी क्या हो गया, ये न्यूटन हो गया, ये मीटर हो गया, न्यूटन मीटर को जूल बता देते हैं हम लोग, न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं, ये एक तरीके से जूल भी है, यूनिट इसका जूल है। तो जूल हो गया, पर सेकंड हो गया, मतलब एक तरीके से जूल पर सेकंड क्या निकल गया, मेरा पावर निकल गया। तो वही है यहाँ पे एम जी एच, एम दिया हुआ है 30 केजी पर सेकंड, जी 9.8 मान लेंगे। अब है कि एच निकालना है, एच कैसे निकालना है, अब मान लो एक एंगल दिया हुआ है 15 डिग्री, और ये हाइपोटेनियस भी दिया हुआ है हाइपोटेनियस, तो उस केस में हम लोग एच निकाल लेंगे साइन 15 का फॉर्मूला यूज करके, साइन 15 बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस 300। तो एच क्या आ जाएगा, 300 sin 15 डिग्री। तो बस यही फॉर्मूला है कि हम लोग डायरेक्टली क्या निकाल रहे हैं, ये ग्रेडियंट के लोग तो नहीं निकाल रहे हैं, सीधा बोल रहे कि वर्टिकली अगर उसी को लोड को हम लोग कैरी करने में कितना वर्क डन लगेगा। ठीक है, तो ये एच का यहाँ पे कैलकुलेट करना है। एक तरीके से एच क्या हो गया यहाँ पे, 300 into sin 15 डिग्री। तो जो भी वैल्यू आएगा, 100 minus 30 into 9.8 into 300 into sin 15 डिग्री, ये तो आएगा तुम्हारा क्या बोलते हैं, किलोवाट में नहीं आएगा, सिंपल वाट में आएगा, जिसको 1000 से डिवाइड कर दो तो ये पावर निकल जाएगा। कितना आ रहा है, 77.18 किलोवाट, मतलब 77.2 किलोवाट आ रहा है सभी का।